देखो लॉस बाय फायर अब लॉस बाय फायर का मतलब एक था हमारा गुड्स यूज इसमें था लॉस बाय फायर सर लॉस बाय फायर क्या होता है गुड्स का जल जाना और नॉर्मली देखो छोटे बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता बड़े बिजनेस में जो मैं बता रहा हूं इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है अब सर पहले आपको समझना होगा इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं जो इंश्योरेंस है ना वो इंश्योरेंस होते हैं दो टाइप के हालांकि तीन होते हैं लेकिन जनरली हमें दो से ही मतलब है एक होता है जर्नल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस सर जनरल इंश्योरेंस कौन सा होता है और लाइफ इंश्योरेंस कौन सा होता है एक मरीन इंश्योरेंस होता है जो हमारे अभी कोई मतलब नहीं है उसका डिस्कशन करने का ठीक है ना जर्नल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कौन सा होता है जर्नल इंश्योरेंस हमेशा किसी ना किसी गुड्स का कराया जाता है। पहला पॉइंट किसका कराया जाएगा गुड्स का दूसरा आप हेल्थ का भी करा सकते हो और तीसरा आप किसी एसेट्स का करा सकते हो तीन का होता है इसका प्रीमियम जो होता है ना यानी इसका किस्त बहुत लो होता है बहुत कम और जितने भी पैसे आप इसमें देते हो वो पैसे वापसी नहीं मिलते आपको कभी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मोबाइल फोन का इंश्योरेंस कराया या मोबाइल फोन का अगर आपने नहीं सुना हो तो बाइक स्कूटी का तो इंश्योरेंस होता है बिना इंश्योरेंस का तो चलान कट जाता है तो अगर मैंने किसी कार का या मोटरसाइकिल का या स्कूटर का या मोटरसाइकिल का या बाइक का मैंने इंश्योरेंस कराया और उस इंश्योरेंस में मेरे गए मान लेते हैं नौ सौ रुपए ज्यादा नहीं जाता नौ सौ पूरे साल का अगर अब मेरे कार का या फिर मैंने बाइक का जो कराया है उसका क्या कराया इंश्योरेंस क्यों करवाया अगर चोरी हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगा हमें अगर एक्सीडेंट में टूट जाता है तो उसका भी कौन देगा इंश्योरेंस अब मैंने नौ सौ का इंश्योरेंस कराया ना तो मेरा बाइक चोरी हुआ ना ही मैंने कोई एक्सीडेंट किया तो ऐसे सिचुएशन में जो नौ सौ रुपए मैंने दिए थे वो नौ सौ गए आपके चले गए वो वापसी नहीं मिलेंगे वो आपके लिए बिजनेस के लिए खर्चा ही है लेकिन अगर चोरी हो जाता तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बाइक का कॉस्ट दे देता जिसे बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम क्या बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम ऐसे लॉस बाय फायर का होता है हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया अगर आग लग जाता है तो हमें उसके पैसे मिल जाते हैं बहुत कम अमाउंट है देखो नौ सौ रुपए आपकी बाइक मान लेते हैं लाख रुपए की है तो साल का नौ सौ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है लाख रुपए के कंपैरिजन और आपकी बाइक फिर आप कहीं भी रख सकते हो और अगर घर के बाहर से ही चोरी हो गया तो एटलीस्ट आपको जो पैसे आपके गए हैं वो सेफ तो है अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो उसके भी दवाई के खर्चे दे देते हैं वो तो इसलिए करवा लेते हैं सेम होता है मेडिकल ये तो मैं हर किसी को बोलता हूं भैया करवा लो ये हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं दस हजार रुपए का खर्चा होता है साल का एक साल का जिसमें आपके मम्मी पापा और दो बच्चे और बच्चे क्या होने चाहिए माइनर होने चाहिए मीजर नहीं तो मम्मी पापा और दो बच्चे जो होंगे वो कवर हो जाता है और दस हजार साल का जाएगा और पूरे साल में कोई भी बीमारी हो अगर दस लाख रुपए तक आपका दवाई में खर्चा होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देती है आपने क्या देना है सिर्फ दस हजार और दस लाख तक क्योंकि बीमारी में बहुत ज्यादा खर्च भी हो जाता हो सकता है कि पूरे साल अब बहुत फिट एंड फाइन है अच्छी बात है आप पूरे साल फिट एंड फाइन है तो जो आपने दस हजार रुपये जमा किए वो गए आप ऐसे नहीं बोलोगे मैं तो बीमारी नहीं पड़ा मेरे पैसे वापस दे दो ठीक है ना इसमें सियोरिटी क्या है आपको दस लाख रुपये यानी अब आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो इंश्योरेंस ले रखा है ना हटाओ ना कोई भी बीमारी हो जाए कुछ भी हो जाए किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में प्राइवेट में और जाके ट्रीटमेंट कराओ चाहे लाख रुपए का खर्चा हो दो लाख रुपए का खर्चा हो पांच लाख का खर्चा हो आपको इंश्योरेंस कंपनी और आपको वहां जाके पैसे भी नहीं देने सिर्फ इंश्योरेंस का कार्ड होता है वो दिखा दो और आपका सारा काम शुरू हो जाएगा ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस तो ये में आता है जिसे जनरल इंश्योरेंस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में जी एक होता है लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हमेशा पर्सनल होता है ठीक है इसके अंदर जो हम प्रीमियम देते हैं इस सिचुएशन में होता है क्या जो भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं लाइक ये ना प्रीमियम जो जाता है ना ये ज्यादा और कम ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप दस हजार रुपए साल का भरना चाहते हो दो हजार रुपए साल का भरना चाहते हो या एक लाख रुपए साल का भरना चाहते हो सपोज आपने अपना दस लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया अब आप आपको उसने बोला कि आप एक काम करो पचास हर साल भरो और ये आपको दस साल तक भरना है और आपको दस साल तक भरोगे तो आपके जमा कितने होंगे पांच लाख और उस सिचुएशन में के बाद आपको पांच लाख रुपए जो आपने जमा किए हैं उस पांच लाख के बदले आपको दस लाख रुपए मिल जाएंगे और इन केस अगर कोई भी हैपनिंग होता है मान लो आपने किसी ने एक किस्त दिया और उसका डेथ हो जाता है तो उसे कोई किस्त नहीं देना होता पूरे दस लाख रुपए उसके परिवार वालों को मिल जाता है समझ रहे हो बात तो ये क्या है हमारा लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हमेशा समझना ये क्या होता है ड्रॉइंग ये क्या होता है हमारा ड्रॉइंग अगर मैंने बोला कि मैंने इंश्योरेंस दिया है पचास हजार का इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा पचास हजार का आप ध्यान से मुझे जवाब देना इंश्योरेंस प्रीमियम पचास हजार का है. इसके अंदर बीस हजार रुपए लाइफ इंश्योरेंस का है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप बताइए अगर पचास हजार का इंश्योरेंस में बीस हजार का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो बाकी जो बचे तीस हजार वो तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होगा ना तो जो तीस हजार रुपए है ना ये होता है हमारे बिजनेस का खर्चा ये क्या होता है हमारा बिजनेस का खर्चा और जो ये बीस हजार ये बिजनेस का खर्चा नहीं है ये ड्रॉइंग है ये क्या है हमारा ड्राइंग क्योंकि जो लाइफ वाले का पार्ट है वो ड्राइंग है और जो बिजनेस का है वो क्या है खर्चा है अगर आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा मान लेते हैं आपका गुड्स था 5000 का और आपने इंश्योरेंस करवा रखा था और इंश्योरेंस में आपका ये लॉस बाय फायर हो गया इंश्योरेंस कंपनी से आपको पूरे रुपए मिल भी गए तो बताओ आपका नुकसान कितना हुआ कुछ भी नहीं हुआ नुकसान एक तो लेकिन आपका जब पांच हजार का स्टॉक जला है तो परचेस तो कम होगा तो एक परचेस कम हो जाएगा दूसरा ये पैसा आपको मिल जाएगा एसेट्स में चला जाएगा समझ रहे हो क्यों एसेट्स क्योंकि मिलेगा आपको ये पैसा दूसरा अगर मैं बोलूं कि आपका पांच हजार रुपए का सामान जला है इसमें से तीन हजार रुपए आपको क्लेम मिल जाना है तो अब यहां दो हजार रुपए का क्या हो गया आपका लॉस तो दो हजार कहाँ चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान पांच हजार रुपए आपका परचेस से माइनस और तीन हजार रुपये क्योंकि आपको मिल जाएगा तो ये आपका क्या माना जाएगा एसेट्स माना जाएगा मान लो आपने पांच हजार रुपए का आग लगने की वजह से नुकसान है और आपने इंश्योरेंस कराया नहीं तो कोई क्लेम मिलेगा आपको नहीं तो पूरे पांच हजार रुपए क्या है आपके लॉस तो एक तो पी पीएंडल में चला जाएगा पूरे पांच हजार और एक परचेज से क्या होगा माइनस हो जाएगा नहीं और भी बहुत सारे मेथड होते हैं कॉस्ट निकालने का पीछे पूछ रहे हैं तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे अभी लॉन्ग मेथड से करेंगे शॉर्टकट ब्रांच वाले चैप्टर में करेंगे इसके बाद मैं ब्रांच ही स्टार्ट कर दूंगा तो चलिए देखते हैं देखिए इंश्योरेंस क्लेम का मैंने पूरा एडजस्टमेंट बनाया हुआ है और एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहां पे, इसके हिसाब से सारा समझ में आ जाएगा लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट दो चीजें हैं या तो आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया होगा या गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा अगर करवाया होगा तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा या फिर आधा क्लेम मिलेगा दो ही चीज हो सकता है अगर आपको पार्टली जैसे मेरा गुड्स जला मान लेते हैं कितने का एक हजार का पार्टली क्लेम वाले में क्या होगा एक तो लेस हो जाएगा आपका कहां से परचेज से पूरा एक हजार दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में तीन सौ नुकसान हो गया तीसरा क्लेम बैलेंस शीट के एसेट्स में सात सौ आ जाएगा समझ में आया यही बताया था अभी अगर आपका फुल क्लेम मिलता है तो दो ही जगह एंट्री जाएगा एक परचेज से माइनस और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में पूरे हजार रुपए आ जाएगा ठीक है अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं है तब तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा तो एक परचेज से तो माइनस होगा ही होगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक हजार रुपये आएगा समझिए बात को क्लियर है ठीक है ना यहाँ तक कोई दिक्कत तो किस तरीके से हमारा परचेज से माइनस या गुड्स लेस ये सारी चीजें क्लियर हो गया आपको